आज हम लोग की पार्टी जदयू पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम धरना के माध्यम से हम बिहार के लोगों को बताना चाहते हैं कि जो 2007 में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों को जो आरक्षण दिया था और अभी आपने सुना कि नगर निकाय के चुनाव में इसको समाप्त कर दिया गया कि भाई अभी चुनाव नहीं होगा, चुनाव रुक गया। जब पहले से चुनाव हो रहा था, अति पिछड़ों का 22% आरक्षण दिया हुआ है और यह व्यवस्था बिहार में सिर्फ है, अन्य राज्यों में नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो फैसला आया उससे यहाँ के जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो हमारे अति पिछड़ा के लोग हैं, उनके साथ जो आरक्षण दिया गया था उनके साथ ठेस पहुँचा। आज हम लोग लोगों को बताना चाहते हैं कि भाजपा की जो सरकार है दिल्ली में बैठी, वो लगातार प्रयास कर रही है कि जो सामाजिक न्याय के लोग हैं उनको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आपने देखा, हमारे साथी अभी बता रहे थे कि किस तरीके से जो चुनी हुई सरकार थी महाराष्ट्र में, देखिए रातें रात पैसा से विधायक को खरीदा जा रहा है, वहाँ नहीं आपने गोवा में भी देखा। तो ये व्यवस्था नहीं चल सकता है, यह लोकतंत्र है। चुनी हुई सरकार का जो जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व करता है उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन यह सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि देश में सिर्फ बीजेपी ही पार्टी रहे। वहाँ के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं उनके, उन्होंने बयान दे दिया बिहार में आकर कि बिहार में नीतीश कुमार जी के हम साथ हैं, लेकिन देश में अब सिर्फ भाजपा ही पार्टी रहेगी। तो इससे साफ जाहिर हो गया है कि कहीं न कहीं लोकतंत्र पर अब खतरा होने वाला है। जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है उस पर आज उदाराघात लगातार हो रहा है। तो बिहार की जनता, देश की जनता को हम लोग बताना चाहते हैं, वो अपनी भाषा में बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, अन्य राज्य में कहीं अति पिछड़ा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आप अति पिछड़ा क्यों अपना कर रहे हैं, आप लोग सामंती विचार परिवार के आदमी हैं, जो सामंती लोग हैं वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग बिहार में तमाम जिला मुख्यालय पर धरना के माध्यम से सारे लोगों को बताना चाहते हैं कि भाजपा की जो दिल्ली में सरकार है उसे हमें 2024 में परास्त करना है और यहाँ का जो चुनाव नगर निकाय का है आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरीके से पहले आरक्षण मिला था आज भी मिलेगा, ये मुझे भरोसा है और विश्वास है। हमारे नेता कटिबद्ध हैं कि अति पिछड़ा को हम आरक्षण देंगे। बहुत बड़ा वजह है भारत आरक्षण प्रणाली लागू, उसी प्रणाली के तहत बिहार में भी नगर निकाय का, नगर पंचायत का, नगर पालिका का चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। अचानक क्या सी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि किसी दल विशेष के कारण भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार के नीति के कारण बिहार में चुनाव को रोक दिया गया हाई कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते, न्यायालय पर हम लोग विश्वास रखते हैं, लेकिन न्यायालय को भी ज्ञात होना चाहिए कि कुछ ही दिन पहले गुजरात में भी चुनाव हुआ और अन्य राज्यों में भी चुनाव हुआ, तो वहाँ भी इसी प्रणाली के तहत चुनाव हुआ। जो संविधान है संविधान के तहत और खास करके बिहार में जो हमारे बिहार के लोकप्रिय नेता आदरणीय जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित को जो आरक्षण दिया गया, जो अधिकार दिया गया, उस अधिकार से वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है प्रोपगंडा उड़ा के। और अभी वो बिहार में ये दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि आरक्षण को वर्तमान सरकार ने लटकाने का काम किया,
यादव के नेता जनता के बीच में संदेश देना चाहते हैं कि आप 17 वर्ष पहले उठा लीजिए, आरक्षण की प्रणाली देख लीजिए। हम लोग मंडल कमीशन लागू करने के समय के आंदोलनकारी हैं। हम लोग हमारे दल ही आंदोलन से पैदा हुई है और हम लोगों की सरकार जब आई तो हम लोगों की सरकार ने जो आरक्षण देने का काम किया और जो पिछड़े के लिए जो सरकार ने काम किया है उन सब बातों को हम जनता के बीच में घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। और आज यह धरना का प्रदर्शन का मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता को बरगलाने की काम कर रही है, गलत बात बताने की काम कर रही है, हम लोग उनको सही चीज दिखाने का काम करेंगे और बताने का।